जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान। चुनाव नामांकन पत्र जमा करते समय चुनाव अधिकारी या अन्य व्यक्तियों द्वारा कौन कौन सी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है? उम्मीदवार को खुद नामांकन पत्र भरना चाहिए। यदि वह नामांकन पत्र नहीं भर पा रहा है तो किसी से रफ भरवा ले और उसे देख देख कर पूरा नामांकन पत्र को स्वयं भरे। वैसे हमारे वीडियो देखने के बाद कोई भी आसानी से नामांकन पत्र भर सकता है। नामांकन पत्र जहां भी भरने में दिक्कत आती है, हमारे नामांकन के वीडियो बार बार देखकर अच्छी तरह समझकर नामांकन पत्र भरें। जब आपको पूरा विश्वास हो जाए कि जो आपने नामांकन पत्र भरा है वह स्वीकृत हो जाएगा, तब उस नामांकन पत्र को जमा कराएं। नामांकन पत्र पूरा सही से भरना ही पर्याप्त नहीं है। नामांकन पत्र पूरा सही से भरना ही पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार को एवं उसके सहयोगी को नामांकन पत्र में भरे गए एक एक सूचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि नामांकन पत्र जमा कराते समय एवं स्क्रूटनी वाले दिन चुनाव अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए किसी सूचना पर आपत्ति दर्ज कराता है तो आप बिना उत्तेजित हुए सभ्य तरीके से अपने दिए गए सूचना का सही से स्पष्टीकरण दे सकें, जिससे आपत्ति कराने वाले संतुष्ट हो जाएं और आपका नामांकन पत्र स्वीकृत हो जाए। यदि आपने नामांकन पत्र सही भी भरा है और सारी सूचना सही भी दी है, फिर भी यदि आप चुनाव अधिकारी को या अन्य किसी व्यक्ति को समझाने में असफल हो जाते हैं तो भी आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। इसलिए अपने नामांकन पत्र को पूरा कई बार पढ़ें, पूरी तरह समझने के बाद और स्वयं संतुष्ट होने के बाद चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हों। अपने दिए गए सूचना को स्पष्ट रूप से समझाएं। यदि आपने नामांकन पत्र सही भरा है और पूरी सूचना सही दी है और चुनाव अधिकारी को भी सही स्पष्टीकरण दे दिया है, तो चुनाव अधिकारी कोई आपत्ति आपको लिखित में नहीं देगा, लेकिन आपको परेशान करने के लिए मौखिक रूप से अपने फॉर्म में परिवर्तन करने के लिए कहेगा। ऐसे में आप प्रयास करें कि जो भी आपत्ति है उसे लिखित में लें। यदि वह अधिकारी लिखित नहीं भी देता है तो आप स्वयं कौन से फॉर्म में, किस नंबर पर, किस जगह पर आपत्ति किया गया है उसे लिख लें और उसका जवाब लिखित में दें, जिससे अधिकारी की आपत्ति एवं उसका जवाब दोनों लिखित रिकॉर्ड में आ जाए। यदि आपका फॉर्म गलत भरा है, पूरा नहीं भरा गया है, तो चुनाव अधिकारी को पूरा अधिकार है कि आपका नामांकन पत्र रद्द कर दे। इसलिए कई बार यह देखा गया है कि चुनाव अधिकारी कोई गलत नामांकन पत्र देखता है तो कहता है कि सब सही है, आपका नामांकन पत्र स्वीकृत हो गया है और आप उम्मीदवार बन गए और चुपचाप से लिखित में आपको आपके फॉर्म पर कार्यवाही कर देता है, या चुपचाप से आपको लिखित में कुछ दे देता है और आपका नामांकन पत्र अंतिम समय में रद्द हो जाता है। इसलिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति मौखिक रूप से कुछ बताता है तो उससे लिखित में लेने का प्रयास करें। खुद सोचें कि जो सूचना मुझे दी जा रही है वह सही है या गलत है, लेकिन लिखित सूचनाओं पर
बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और उसका जवाब तुरंत लिखित में जरूर दें, और जो भी कागजात जमा करें उसकी पावती रिसीविंग जरूर ले लें। पीछे हमने इस तरह के कई उदाहरण दिए हैं। इस बार हमारे एक उम्मीदवार ने पूरा फॉर्म सही तरीके से भरकर जमा कराया, चुनाव अधिकारी को सही स्पष्टीकरण भी दे दिया। ऐसे में चुनाव अधिकारी ने कोई लिखित आपत्ति तो नहीं दी, लेकिन मौखिक रूप से कहा कि आपका फॉर्म ए एवं फॉर्म बी सही नहीं है, इसलिए आपको हम निर्दलीय उम्मीदवार बना रहे हैं। इस पर उम्मीदवार को चुनाव अधिकारी से इस बात की लिखित आपत्ति मांगनी चाहिए थी, लेकिन उम्मीदवार को यह डर था कि उसका नामांकन रद्द ना हो जाए, इसलिए वह चुनाव अधिकारी की बात मानता चला गया और सभी कागजात एवं सूचना सही होने के बाद भी वह एक पार्टी उम्मीदवार से निर्दलीय उम्मीदवार बन गया। आगे की चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव अधिकारी चालाकी के साथ आपसे ही कुछ ऐसे कागजात तैयार करवा लेगा ताकि भविष्य में यदि कोई मुकदमा दर्ज करवाएगा तो यह चुनाव अधिकारी अपनी गलती ना मानते हुए कहेगा कि देखिए उम्मीदवार ने खुद माना है और यह कागजात साइन किए हैं और इस प्रक्रिया में शामिल हुआ है, इसलिए हमने इसे निर्दलीय उम्मीदवार को पार्टी उम्मीदवार से निर्दलीय उम्मीदवार बना दिया। भारत चुनाव आयोग एवं बिहार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नामांकन संबंधी सभी फॉर्म उपलब्ध है। उम्मीदवार के पास दो विकल्प हैं, या तो वह वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करे या चुनाव कार्यालय में जाकर नामांकन फॉर्म की कॉपी ले ले। आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि दोनों ही तरह के फॉर्म जमा कराए गए हैं और स्वीकृत कर लिए गए हैं, लेकिन हमारे कई उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करके पूरा भरकर नामांकन के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब वह चुनाव कार्यालय में गए तो वहां चुनाव कार्यालय के कर्मचारी ने बताया कि यहां पर केवल यहां से लिए गए फॉर्म ही जमा होंगे। हमारे उम्मीदवार ने उसकी बात मान ली, जिससे उन्होंने जितने भी नामांकन फॉर्म पहले से भरकर तैयार किए हुए थे वह सब बर्बाद हो गए। सभी उम्मीदवारों को सभी नामांकन पत्र दोबारा भरना पड़ा, जिससे काफी कीमती समय बर्बाद हुआ। उम्मीदवार मानसिक रूप से परेशान हुए, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर पाए, अनेकों उम्मीदवारों का नामांकन जमा नहीं हो पाया। ऐसे में उस उम्मीदवार को चुनाव कर्मचारी की बात नहीं माननी चाहिए थी, उसे पहले से तैयार नामांकन पत्र को जमा करना चाहिए था। यदि उस पर भी कोई आपत्ति होती तो चुनाव अधिकारी उसे लिखित में चेकलिस्ट में देता, जिससे उम्मीदवार का काफी समय बच जाता, वे अन्य उम्मीदवारों की भी मदद कर पाते। इस तरह की घटना हमारे दूसरे उम्मीदवार के साथ भी हुई। वह अपना पूरा फॉर्म तैयार करके चुनाव कार्यालय में फॉर्म जमा कराने लगा तो चुनाव कर्मचारी ने कहा कि आपको फॉर्म इस तरह से नहीं भरना है, दूसरी तरह से भरना है। वह उम्मीदवार उस कर्मचारी की बात मानकर वापस आ गया। उसे उस कर्मचारी की बात नहीं माननी चाहिए थी, उसे फॉर्म को जमा कराना चाहिए था, जिससे यदि कोई कमी रहती तो चुनाव अधिकारी लिखित चेकलिस्ट में देता। वह उम्मीदवार उन कमियों को दूर करते हुए दूसरा नामांकन पत्र जमा कर देता, लेकिन उम्मीदवार ने उस कर्मचारी की मौखिक बात मान ली, जिससे उसकी मेहनत उसका पैसा बर्बाद हुआ और काम भी नहीं हुआ। उम्मीदवार
चार नामांकन पत्र जमा कर सकता है, एक भी जमा नहीं हो पाया और उसका समय भी बर्बाद हुआ। यहां आप हमारे एक उम्मीदवार की जो मैंने पीछे बात बताई, वह दिखाया गया है कि इन उम्मीदवार ने अपना एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी के नाम पर अप्लाई किया। आप यहां देख सकते हैं अप्लाइड में आ रहा है, और यहां आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी का एक्सेप्टेड भी दिखा रहा है, यानी कि इन्होंने अप्लाई किया, एक्सेप्ट भी हो गया। तो एक्सेप्ट होने के बाद रिजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन चुनाव अधिकारी ने गुमराह करके एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी के एक्सेप्टेड फॉर्म होने के बावजूद भी उम्मीदवार को इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बना दिया। तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। फॉर्म ए बी भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको भी प्रॉपर रूप से भरें और स्वीकृत करवाएं। फॉर्म जमा करने के बाद हमारे उम्मीदवार को चार डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। एक यह फॉर्म सिक्स है, ये शपथ पत्र है, ये चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में इन्होंने बताया है कि वेदर ऑल डॉक्यूमेंट्स फिल्ड अप और सभी डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, तो यहाँ पर यस है। कोई गलती है तो नहीं, कोई खाली कॉलम तो है नहीं, है नहीं है। और किसने सर्टिफाइड किया है, तो नोटरी पब्लिक ने किया है। इलेक्ट्रोल रोल है कि नहीं है, तो यहां पर नॉट एप्लीकेबल है। फॉर्म ए बी सबमिट किया गया है लेकिन इनकम्प्लीट लिख दिया इन्होंने। कास्ट सर्टिफिकेट यहां नॉट एप्लीकेबल है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हाँ यस है, 10,000 रुपए जमा करा दिए हैं। ऑथ एंड अफर्मेशन में भी यस कर दिया है। और यह इन्होंने एक फॉर्म दिया है जिसमें कहा है कि फोटो जिसका साइज 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, वह 20 तारीख से पहले पहले जमा कराएं, और उम्मीदवार से भी हस्ताक्षर ले लिए। तो यह फोटो जमा कराना, एक आवेदन बनाएं और उसके साथ यह फोटो लगाकर सबमिट करें। तो यह एक डॉक्यूमेंट है। यह शपथ पत्र प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र दिया है, यह चेकलिस्ट दिया है, और यह डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट का लेटर दिया है। यह चार तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप नामांकन पत्र जमा कराने जाएंगे तो मीडिया और भी कई तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको नामांकन पत्र जमा कराते समय नामांकन पत्र पे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ हमारे उम्मीदवार ने नामांकन पत्र जमा कराया था, तो आप देख सकते हैं कि जैसे
और सभी पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन पत्र फॉर्म ए एवं फॉर्म बी सबमिट करते हैं, और जो फॉर्मेट बनाया गया है उसी फॉर्मेट में सबमिट किया गया है, फिर भी इनकम्प्लीट बताया गया है, तो यह आप देख सकते हैं। यह कांग्रेस पार्टी द्वारा सबमिट किया गया है, यहां इन्होंने बिहार लिखा है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिखा है, ये कॉलम फिल किए हैं। यहां तीन साइन है और यहां साइन है, और यह दो पेज का एक पेज में बना दिया है इन्होंने। लेटर नंबर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेटर नंबर लिखेंगे तो भविष्य के लिए ठीक रहेगा। ये कॉलम भरा है, ये कॉलम भरा है, आप देख सकते हैं ये तीन कॉलम यहां पर खाली हैं, क्योंकि हमारा कोई सब्स्टिट्यूट उम्मीदवार नहीं होता, तो यह कॉलम खाली रखा जाता है। यहां स्टैंप है और यहां साइन है। यह दूसरा फॉर्म भारतीय जनता पार्टी द्वारा भरा गया है, आप देख सकते हैं इसमें जैसे भरा गया है वैसे ही आपको भरना होगा। यहां इन्होंने पार्टी सील लगा दी और साइन यहां कर दिए। यह भी भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेशन फॉर्म है। यह इन्होंने काट दिया, यह भी इन्होंने यहां से काटा हुआ है। यह बहुजन समाज पार्टी पार्टी का फॉर्म ए एवं फॉर्म बी है, सभी पार्टियों का फॉर्म ए और बी जैसे भरा गया है वैसे ही हमने भी फॉर्म सबमिट किया है, लेकिन चुनाव अधिकारी ने लिखित में दिया कि इनकम्प्लीट, तो क्योंकि हमें लिखित में मिला है तो हमें भी लिखित में दूसरा फॉर्म देना ही पड़ेगा। ये मायावती जी के साइन है, स्टैंप के नीचे कोई साइन नहीं है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने लाइन खींची हुई है, हमने भी यहां लाइन खींचा था, उस पर ऑब्जेक्शन हुआ। ये आप देख सकते हैं यहां इन्होंने लाइन खींची हुई है, हमने भी लाइन खींचा, तो
चुनाव अधिकारी ने कहा कि आपने यहाँ का कुछ क्यों नहीं भरा है, यहाँ क्यों नहीं भरा है। तो हमारे जो उम्मीदवार थे या उम्मीदवार के प्रतिनिधि थे या वकील थे, उन्हें बताना चाहिए था कि यह सब्स्टिट्यूट उम्मीदवार यह कॉलम अप्लाइड नहीं है, यह पुराने उम्मीदवार के लिए होता है, हमारा कोई पुराना उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वजह से इसे काटा गया है, लेकिन वह नहीं बता पाए। यहां सील लगा रखी है, यहां साइन, यह एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी का फॉर्म सबमिट हुआ है, यह भी देखिए सेम वैसा ही भरा गया है। जैसा कि ऊपर भरा गया है देखिए यह काटा हुआ है, यहां कर्णन साहब के साइन है और यहां स्टैंप है और यह जस्टिस कर्णन साहब ने स्वयं भर के भेजा है, उसके बावजूद यह फॉर्म बी है, यहां यह भरना होता है। यहां साइन, यहां स्टैंप, क्योंकि यहां जगह कमी है तो इन्होंने ऐसे लिख दिया है, यह भी सही है। ये तीन साइन किए हुए हैं, एक साइन, दो साइन, तीन साइन, एक साइन, दो साइन, तीन साइन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से का, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का है यह फॉर्म बी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, इन्होंने भी काटा हुआ है। ये पीस पार्टी का है, देखिए इन्होंने नेशनल स्टेट पार्टी की जगह पे काट दिया है, रजिस्टर्ड पे क्लिक किया हुआ है। फॉर्म भरने वाला एडवोकेट यहां से भी देख सकता है कि पार्टी रजिस्टर्ड है या क्या है। इन्होंने लाइनों को, ब्लैंक लाइनों को काट दिया। पीस पार्टी का है, यह पीस पार्टी का है, ना यहाँ इन्होंने कुछ भरा है ना काटा है, लेकिन फिर भी स्वीकृत हो गया है, क्योंकि यह छोटी मोटी कमी है, इससे नामांकन रद्द करने नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कई चुनाव अधिकारी परेशान करते हैं और कई नामांकन रद्द कर देते हैं। ये हमारे उम्मीदवार का नामांकन है, आप देख सकते हैं सब सही से भरा हुआ है, कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लिस्टेड बिहार है, टाइप में भरा हुआ है, ये सारे कॉलम टाइप किए हुए हैं। यहाँ तीन साइन है, यहाँ एक कमी है, यहाँ एक साइन करना चाहिए था,
यह साइन जरूर करवा लें। यहां भी इन्होंने ये भरा हुआ है, इसके अंदर यह इन्होंने भरा हुआ है, और जैसे अन्य पार्टियों ने यह काटा हुआ है वैसे इसमें भी यह काटा हुआ है, लेकिन इसको भी फिल करने के लिए कहा गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ यह लाइन खींची हुई है और यह पूरा काटा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ नाम भरने के लिए कहा गया है। यहाँ पार्टी की सील लगनी है तो यह पार्टी सील लगी है, यहाँ नाम और हस्ताक्षर हैं तो यहाँ नाम हस्ताक्षर किया गया है, फिर भी कहा गया कि यहाँ साइन करने हैं। तो आपने देखा ऊपर फॉर्म में जो भी है, तो रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने इनकम्प्लीट लिखा है तो हमें दूसरा रिवाइज फॉर्म सबमिट करना ही पड़ेगा। तो ये हमने करेक्शन उनके अनुसार हमने इसमें करेक्शन किया है, आप ये इंश्योर करें कि यह नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी इन द स्टेट ऑफ ये कट जाए, क्योंकि ना हमारी नेशनल पार्टी है ना स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है ना स्टेट पार्टी है, ये हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है। इस पर क्लिक कर सकते हैं, यहां साइन जरूर करना चाहिए था, इसलिए लिखा है, यहां साइन क्यों नहीं किया है। चुनाव अधिकारी ने यहां पर पार्टी ऑथराइज सिग्नेटरी के भी साइन मांगे हैं और ऊपर अन्य फॉर्मों में भी इसी तरह से है, लेकिन क्योंकि उन्होंने मांगा है तो आप यहां साइन कर दीजिए अन्य फॉर्मों में। और इसमें अंतर है कि सभी फॉर्मों में केवल एक ही स्टैम्प है, लेकिन यहां दो स्टैम्प है तो दो साइन भी कर सकते हैं। तो एक साइन यहां करें, एक साइन यहां करें। यहां पर सभी पार्टियों ने इसी तरह से लाइन खींचा है या क्रॉस किया है, लेकिन क्योंकि यहां पर भी ऑब्जेक्शन है तो यहां पर पेन से नील 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 लिख दें लाइन के ऊपर, और ये कटा हुआ है तो आप पेन से दोबारा ठीक से काट दें इस तरह से, और ऐसे नील 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 लिख दें। यह जैसे अन्य पार्टियों ने साइन किए हैं या ऊपर और नीचे स्टैंप लगाई है, लेकिन फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर अन्य पार्टियों की तरह यहां भी किया गया है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने यहां भी साइन करने के लिए कहा है तो यहां पर भी एक साइन करवा लें, जिन्होंने यहां साइन किया है वह यहां भी कर देंगे। तो आपने देखा कि उम्मीदवार के फॉर्म ए और बी में भी समस्या आ सकती है, उस पे भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, इसलिए आप दोबारा रिवाइज फॉर्म ए बी भरें।
यहाँ आपको कुछ फॉर्म दिखाए जाएंगे, क्योंकि कई चुनाव अधिकारियों के कर्मचारियों द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है कि फॉर्म केवल यहीं से लेना है। तो आप इसमें देखेंगे कि फॉर्म कई उम्मीदवारों ने डाउनलोडेड फॉर्म जमा किए हैं और कई उम्मीदवारों ने फॉर्म चुनाव कार्यालय से लेकर जमा किए हैं, और आप यह भी देख सकते हैं कि इन्होंने क्या भरा है, क्योंकि इसमें कई उम्मीदवारों ने काटा हुआ है और कई उम्मीदवारों ने नील लिखा हुआ है, कई उम्मीदवारों ने शून्य लिखा हुआ है और सबका स्वीकृत हुआ है। तो कई चुनाव अधिकारी काटे हुए को स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, तो इसमें देखकर आप जहां जो लिखा है वह भर सकते हैं। यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, मान्यता प्राप्त दल वे होते हैं जिन्हें 6% एक राज्य में 6% मत मिले होते हैं, या 4 राज्यों में 6% मत मिले होते हैं, तो वह राष्ट्रीय पार्टी होती है। शून्य शून्य लिखा हुआ है, या नोट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, लागू नहीं भी लिख सकते हैं। आपके फॉर्म में जहां दिक्कत है, जहां ऑब्जेक्शन किया गया है, वहां यह वीडियो देखकर आप अपना सही कर लें। यह इन्होंने फॉर्म 20 एनेक्सर 26 लगाया है, जिसमें जो इलेक्शन सिंबल अलॉट हुआ है उसके बारे में लगाया है। मैं यह नहीं पढ़ रहा हूं और ना ही समझा रहा हूं, क्योंकि इसके वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें केवल यह देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव अधिकारियों द्वारा क्या नई चीज की जा रही है। जैसे कुछ चुनाव कार्यालयों ने बताया कि हम डाउनलोडेड फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कई चुनाव अधिकारियों ने कहा कि हम कटा हुआ फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे। तो आप इसमें से देखकर काटने की बजाय जहां शून्य आता है वहां शून्य करें, जहां लागू नहीं आता है वहां लागू नहीं लिखें,
चुनाव अधिकारी को अगर ये दिक्कत है तो आप उसे काटे ना, सुनने या लागू नहीं होता लिखें। कहां क्या लिखना है आप इसमें से देख सकते हैं। ये जमीन के कागजात आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं क्या कागजात है। रसीद है जमीन की, इनकी आवश्यकता नहीं होती, इन्होंने अपने जमीन का ब्यौरा अलग से लिख के दे दिया। जल्दी जल्दी दिखाया जा रहा है क्योंकि यह वीडियो लंबा ना हो जाए। बैंक की स्टेटमेंट लगा दी इन्होंने। फिंकल यूनिवर्सिटी बैंक सॉल्यूशन बैलेंस स्टेटमेंट भी लगा दी उन्होंने। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथराइज किए गए हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का लगा दिया इन्होंने, गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। कार्यालय आदेश, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यह कार्यालय आदेश है कि डॉक्टर रणविजय कुमार सहायक प्राध्यापक प्राचीन इतिहास विभाग गया कॉलेज गया को बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 में प्रत्याशी बनने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि आप चुनाव में विजयी होते हैं तो अवकाश पे रहेंगे। तो यह कार्यालय आदेश ऑब्जेक्शन योग्य है क्योंकि कोई भी लाभ पर के पद पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता और यहाँ पर इस आदेश के हिसाब से वह प्राध्यापक भी बने रहेंगे और MLA बन के MLA भी बने रहेंगे मगध विश्वविद्यालय बोधगया। सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट की कॉपी है। यूनिवर्सिटी की डिग्री है।
यह भी डाउनलोडेड फॉर्म है जो स्वीकृत हुआ है। इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं थी। यह भी आप देख सकते हैं डाउनलोडेड फॉर्म है जो स्वीकृत हुआ है। चुनाव कार्यालय के कर्मचारी ने हमें हमारे उम्मीदवार को कहा कि डाउनलोडेड फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं डाउनलोडेड फॉर्म एक्सेप्टेड है। यह एफिडेविट अलग से बनाया गया है। तो यह जरूरी नहीं कि आप फॉर्म चुनाव कार्यालय से ही लें, आप डाउनलोड करके भी भर सकते हैं और एफिडेविट आप कंप्यूटर में बनाकर भी नोटराइज कर सकते हैं। फॉर्म के लास्ट में लिखा हुआ है कि आप फॉर्म टाइप करवा के भी भर सकते हैं, हाथ से भी लिखकर भर सकते हैं। बस जरूरी है कि जिस जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। लेकिन चुनाव अधिकारियों द्वारा, चुनाव कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा उम्मीदवारों को परेशान किया जाता है। और उम्मीदवारों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जहां कोई दिक्कत हो वहां स्पष्टीकरण देना चाहिए, न कि सारी बातें मान लें। बड़ी बात है कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उस जानकारी के हिसाब से आप काम करो, क्योंकि आप लोगों से बात करोगे, लोगों से पूछोगे, तो जितने लोगों से पूछोगे उतने तरह की बात आएगी और अपने काम में आप सफल नहीं हो पाओगे, उलझ के रह जाओगे। यह आपको दिखाया जा रहा है कि आप को फॉर्म, अपना फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। जहां दिक्कत आ रही है वहां यह वीडियो रोककर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं।
चुनाव अधिकारी को आप जो भी सूचना देनी है, जो भी कागजात देने हैं आप दे सकते हैं, आप देख सकते हैं हर तरह के कागजात उम्मीदवारों द्वारा दिए जा रहे हैं ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना रहे। यह इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई हुई है तालुका से। यह भी हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं, इन्होंने काटकर, फोटो काटकर 2 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर लगाया हुआ है। ऐसे आपको भी लगाना चाहिए था काटकर, लेकिन उम्मीदवार क्या कर रहे हैं, पूरा फोटो चिपका दे रहे हैं जिससे नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। और यह भी फॉर्म डाउनलोड करके ही सबमिट किया गया है जो एक्सेप्ट हो गया है। और यहाँ काटा गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुनाव कार्यालयों द्वारा जो 2 ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं दोनों ही गलत ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं। एक ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि आप डाउनलोडेड फॉर्म जमा नहीं करोगे, तो आप देख सकते हैं डाउनलोडेड फॉर्म जमा हो रहे हैं और एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। और लिखा हुआ है कि जो लागू नहीं होता आप उसे नहीं काटोगे, और आप देख सकते हैं कि काटा हुआ है। हमारे एक उम्मीदवार से कहा गया कि आप फॉर्म ऐसे काटोगे नहीं, आप देख सकते हैं यह कटा हुआ है। तो क्योंकि चुनाव अधिकारी अभी जो कहेगा और जो लिखेगा वो गलत भी लिखता है, तो उसकी ही बात फिलहाल मानी जाएगी और आपका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। तो आप प्रयास करें, वह जैसे मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो आप अपना दे दें और अपना नॉमिनेशन किसी तरह स्वीकृत करवाएं। यह भी हम नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ भी इन्होंने काटा हुआ है।
लागू नहीं लिखा हुआ है, लागू नहीं लिखना है। जहां काटा हुआ है वहां काटने के लिए अगर मना कर रहे हैं तो काटने की बजाय ब्लैंक जगह पर लागू नहीं लिख दें। नील लिखने का मतलब है कि वह खाली माना जाए, क्योंकि खाली नहीं छोड़ सकते, इस वजह से नील लिख दिया जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ऊपर आपने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसका टोटल आपको यहाँ लिखना होता है और सारांश में भी यही टोटल लिखना होता है। इसको भरने में बहुत सावधानी बरतें, अच्छी तरह से टोटल करके ऊपर जहाँ जहाँ जो भी संपत्ति आपने लिखी है उसका टोटल करके, 1 से 5 में जो भी संपत्ति लिखी है उसे टोटल करके यहाँ लिखें, क्योंकि यह इसका सारांश, यही नंबर सारांश में भी नीचे भरा जाएगा। जहां दिक्कत हो वहां वीडियो धीमे करके, धीरे करके या रोक कर देख सकते हैं, और जहां अच्छी तरह समझ में आ रहा है और वीडियो धीरे लगे वहां पर आप डबल स्पीड में करके देख सकते हैं, जिससे वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा। देखिए ऊपर जो भी आपने दी थी उसकी टोटल वैल्यू यहां पर इन्होंने पूछी है तो यहाँ इन्होंने लिख दिया है, बाकी कॉलम नील 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 कर दिया है। नील का मतलब खाली होता है। ये देखिए फॉर्म भी सबमिटेड है, फॉर्म ए भी सबमिटेड है, फिर भी नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, फिर भी नॉमिनेशन पार्टी उम्मीदवार से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बना दिया गया।
यह वीडियो, इस तरह के वीडियो पहले बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी उम्मीदवारों को नॉमिनेशन सबमिट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वे अपना नॉमिनेशन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी उन्हें समस्या आ रही हैं और मुझ तक पहुंच रही हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान और जवाब इस वीडियो में दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। हर तरह के फॉर्म हैं, डाउनलोडेड फॉर्म भी हैं, कार्यालय से लिए गए फॉर्म भी हैं, जो पर्सन लागू नहीं होते उन्हें काटा भी गया है, लागू नहीं होता भी लिखा गया है, और शून्य भी लिखा गया है। काटा वहां जाता है जो लागू नहीं होता है, तो जहां पर कांटा लगाना है और चुनाव अधिकारी को कांटा लगाने में दिक्कत है, तो वहां पर लागू नहीं लिख सकते हैं। शून्य या निल वहां लिखा जाएगा जहां पर्सन तो लागू होता है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वह जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है, यानी पर्सन वैध है लेकिन वैल्यू जीरो है। तो आप ध्यान रखें कहां लागू नहीं होता लिखा जाना है और कहां पर शून्य लिखे जाना है। एक उदाहरण के लिए हम यहां देते हैं, जैसे जीएसटी अनेकों लोगों को देने होते हैं लेकिन वह जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाते तो वह नहीं देते हैं, तो शून्य लिख सकते हैं, यानी कि इनके लिए पर्सन तो वैध है लेकिन वैल्यू शून्य है। संपत्ति कर भी हो सकता है लेकिन वैल्यू शून्य है। कोई और दायित्व, जैसे कोई व्यक्ति कुछ भी, कोई भी दायित्व हो सकता है लेकिन नहीं है, शून्य है। इसका मतलब है कि पर्सन तो वैध हैं लेकिन उन प्रश्नों का वैल्यू शून्य है, निल है, इस वजह से शून्य और निल लिखा गया है। अब इसी में जैसे प्रश्न होता है कि आपने अपराध किया है कि नहीं किया है, तो अगर यदि आप लिखते हैं कि अपराध नहीं किया है, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि कौन कौन से अपराध किए हैं, तो वहां पर आएगा लागू नहीं, वहां वैल्यू जीरो नहीं होकर वह पर्सन लागू ही नहीं होता है। तो शून्य और लागू नहीं में भी काफी अंतर है, तो ध्यान रखें कहां शून्य डालना है और कहां लागू नहीं डालना है। ज्यादातर बड़े लोगों द्वारा भरे फॉर्म में
वह कंप्यूटराइज तैयार करते हैं और जो पर्सन लागू नहीं होते उन्हें अपने एफिडेविट से ही हटा देते हैं। तो आप जिस फॉर्म में मांगा गया है उस फॉर्म में ही जवाब दें तो ज्यादा सही रहेगा। यह फॉर्म हम साथ के साथ चेक करते जाते हैं। यह दो सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। फुट्टे से नापकर नया शपथ पत्र जारी जमा कराएं। इसको हमें पूरा काट सकते हैं, लेकिन काटने पे अगर वह चुनाव अधिकारी को कोई दिक्कत है तो आप लागू नहीं लिख सकते हैं। शून्य भी वैलिड है, लागू नहीं ज्यादा सही रहेगा क्योंकि यह पर्सन लागू नहीं होता है। तो ठीक है, यहां पर लागू नहीं लिख सकते हैं। यहां भी लागू नहीं लिख सकते हैं, लागू नहीं। यह लागू होता है और लिखा भी गया है। यह पता सही लिखा गया है, ये क्रम संख्या अच्छी तरह चेक कर लें। यह अगले पेज पर आ गया है। यह भी सही है। यहां पर भी लागू नहीं आएगा, सुनने भी लिख सकते हैं। यहां शून्य लिख सकते हैं, यहां भी शून्य लिख सकते हैं। यह कॉलम खाली छोड़ने पर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां सामान्य लिखकर लागू नहीं कर सकते हैं। यहां नहीं पर टिक करना है।
जहां भी करेक्शन होता है, काटपीट होता है, वहां छोटे से सिग्नेचर कर दें। यहां सोशल मीडिया, ईमेल लिखें, यह पर्सन बहुत ही टेक्निकल है, जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि सही भरा हुआ है, लेकिन चुनाव अधिकारी इसमें परेशान करते हैं। अगर आप नहीं लिखते हो तो कहेंगे, या सुनने लिखते हो या लागू नहीं लिखते हो तो वे कह सकते हैं कि लागू सुनने कोई सोशल मीडिया तो होता नहीं है, सुनने तो कोई सोशल मीडिया लागू होता नहीं है। और इस पर कई बार लोगों के नॉमिनेशन रद्द हुए हैं। तो अगर हम इसको काटते भी हैं तो वह ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि काटने नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लागू नहीं होता उसे काट भी सकते हैं। तो इसका सही रहेगा कि आप यहां जीमेल लिख दें, यहां पर व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे आईडी बनाकर या बनवाकर इस पे डाल दें तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ शून्य शून्य किया गया है। इसमें इन्होंने ये अच्छा किया है, इसमें लागू नहीं भी लिखा जा सकता है, इन्होंने डिटेल दे दी है। कोई स्थायी खाता पैन आवंटित नहीं हुआ है, यह सही तरीका है लिखने का। यहाँ सुनने की जगह लागू नहीं भी लिखा जा सकता है। और यहां पर भी लागू नहीं इन्होंने ये डिटेल दे दी है। कोई स्थायी संख्या पैन आवंटित नहीं हुआ है तो शून्य ना लिखें। कोई स्थायी खाता पैन आवंटित नहीं हुआ है इस कॉलम में लिखें। पीएन स्थायी खाता संख्या, तो यह कॉलम बहुत ही ध्यान देने योग्य है। इस कॉलम में या तो आप पैन नंबर लिखेंगे या फिर कोई स्थायी खाता संख्या पैन आवंटित नहीं हुआ है। यहां शून्य लिखा है तो यह खाली हो सकता है, सुनने का मतलब खाली। और यह कोई सब में लिखा है, कोई स्थायी खाता आवंटित नहीं हुआ है, कोई स्थायी
खाता आवंटित नहीं हुआ है, कोई स्थायी खाता आवंटित नहीं हुआ है। इस पे भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि हम शून्य माने कि यह माने, क्योंकि दोनों में अंतर है। शून्य का मतलब खाली, तो यदि यह खाली है तो यह के लिए क्यों लिखा गया, हम इसको खाली मानेंगे पूरा। और अगर हम इसे मानते हैं कि कोई स्थायी खाता पैन आवंटित नहीं हुआ है तो फिर आपने शून्य क्यों लिख दिया। तो दोनों ही तरह में इसमें इश्यू है, तो आप केवल लिखेंगे कोई स्थायी खाता आवंटित नहीं हुआ है। इसमें भी शून्य शून्य लिखा जाएगा, लागू नहीं, लागू नहीं भी लिख सकते हैं। यहां इन्होंने टिक मार्क कर दिया है और यहां लागू नहीं होता है लिख दिया है, क्योंकि यहां लिखा गया है कि अगर यह लागू होता है तो नीचे दो नंबर में के सामने आप लिखो लागू नहीं होता है, तो इन्होंने लिख दिया लागू नहीं होता है। ये जनरली इसको काट दिया जाता था, काटने पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो आप इस पे लिख सकते हैं लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं। काफी कई लोगों ने शून्य शून्य लिखा है तो और एक्सेप्ट हो गया है, तो शून्य भी वैलिड है। यहां पर यह लाइन लिखनी होगी, यह एक बड़ी गलती है, यह लाइन यहां लिखनी होगी कि ये आप यहां से लेकर यहां तक लाइन यहां पर उतार दें कि प्रविष्टियों को देखते हुए आप यहां से उतारे, यहां से लिखें, पेन से लिखना होगा। यहां यह पेन यहां से लेकर यहां तक यहां पेन से लिखना होगा, यहां आप पेन से लिखें कि उपरोक्त पेरा 5(1) और पेरा 6(1) में की प्रविष्टियों को देखते हुए स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, ये यहां लिख दें। नामांकन पत्र एक भी गलती होती है तो अस्वीकृत किया जा सकता है। आपने इसमें देखा कि अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों कॉलम खाली हैं, यह डिटेल देते वक्त आप ध्यान रखें कि कॉलम 1 से लेकर 5 तक का 8 तक का यहां कॉलम 1 से लेकर 8 तक में जो भी टोटल होता है आठों का टोटल आप यहां पर जोड़ कर लें। इस जोड़ में गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होने पर आपका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है। और जिनकी भी आप वैल्यू लिख रहे हैं, आपको अपनी स्वयं की लिखनी है, पति अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी की लिखनी है, आप पत्नी हैं तो अपने पति की लिखनी है, कोई आपके साथ सास ससुर माता पिता
या कोई अन्य रिश्तेदार रहते हैं और आप पर आश्रित हैं तो उनका लिखना है, और अपने बच्चों का लिखना है। कुछ नकदी है तो, नहीं है तो 00 लिख सकते हैं, और अगर आपने लिखा है तो 8 कॉलम में जो भी आपने अमाउंट लिखा है 8ों का, यहां 9वें कॉलम में यहां टोटल लिखना है, और यह नीचे सारांश में भी यह पूछा जाएगा। तो यहां आप आपकी अपनी जो आय है, अपने जो आपने अमाउंट भरे हैं कॉलम एक से लेकर 8 तक में, उसका टोटल लिखेंगे, आपके पति या पत्नी का टोटल लिखेंगे, आपके रिश्तेदार का टोटल लिखेंगे, आपके आश्रितों एवं बच्चों का आपने कुछ लिखा है ऊपर 1 से लेकर 8 तक के कॉलम में तो उनका टोटल लिखेंगे। यह कॉलम बहुत सावधानी से भरें और टोटल वैल्यू लिखें। यह भी उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन इसमें 5 कॉलम है और इसमें संपत्ति के बारे में पूछा गया है, घर, कृषि योग्य भूमि या कृषि के अलावा अन्य कोई जमीन या आपका कोई फ्लैट है। तो आपने देखा इसमें 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न है और 6ठे में टोटल पूछा है। तो आपका कोई भी घर है, खेती की जमीन है, खेती के अलावा अन्य कोई जमीन है, या आपके पास फ्लैट है, या कोई अन्य स्थायी संपत्ति है ये आपके पास है, आपकी पत्नी के पास है, या आपके रिश्तेदारों के पास है, या आपके बच्चों के पास है, तो उपरोक्त का टोटल यहां पर लिखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि इन्होंने कहीं कुछ वैल्यू दी है कि नहीं दी है। इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब इनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है, ना इनके पास है, ना इनके इनके पति पत्नी के पास है, या ना इनके माता पिता के पास है, ना इनके बच्चों के पास है। सब जगह इन्होंने 00 कर दिया और कुल टोटल भी 0 आ गया। तो यह कॉलम जैसे ऊपर इंपॉर्टेंट था, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सारांश नीचे लिखा जाएगा। ये 8वां भी इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं से ऋण लिया है या किसी को कुछ चुकाना है तो उसका भी आप यहां पर टोटल करेंगे, इसका भी टोटल नीचे पूछा जाएगा। 3 चीज का टोटल पूछा जाता है, आपके पास स्थायी संपत्ति, अनस्थायी संपत्ति और देयताएं, टोल कुल कितने हैं। तो पहला अस्थायी संपत्ति का था, फिर स्थायी संपत्ति का था, और यह देयताएं यानी कि आपको चुकाने हैं। तो आपको कोई कुछ नहीं चुकाना, सब 00 है, तो 0 यहां पर आ गया। ठीक है, आपने कोई सरकारी आवास नहीं लिया हुआ है तो आप यहां पर नहीं पर टिक कर देंगे। आप यहां पर गृहिणी लिख सकते थे, गृहिणी यहां पर भी गृहिणी लिख सकते थे। अब यहां पर 00 आएगा क्योंकि अभ्यर्थी द्वारा कोई संविदाएं की जा सकती हैं, लेकिन उसने नहीं किया। 00
आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने पूरे फॉर्म में केवल शून्य शून्य ही किया है, शून्य और लागू नहीं में ज़्यादा अंतर नहीं है, इतना बड़ा अंतर नहीं है कि इस आधार पर नॉमिनेशन रद्द किया जा सके। नौवीं पास उच्च विद्यालय कस्बा पूर्णिया, और यहाँ पर कौन से सन में किया है वो भी लिखना जरूरी है, यहाँ पर कौन से सन में किया है वह लिख दें। प्रमाण पत्र डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम का पूर्ण रूप से लिखते हुए उच्चतम विद्यालय या विद्यालय का पहले कौन सी डिग्री है, तो इसमें क्या है नवी मैट्रिक पास, ठीक है। उसके बाद क्या है कौन सा विद्यालय या विश्वविद्यालय है, तो ये आपका विद्यालय हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया है, तो इसमें वर्ष नहीं लिखा गया है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, तो आप इसको भी पूरा भरें। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में कई जगह खाली है, लेकिन चुनाव अधिकारी ने नामांकन पत्र में लिख दिया सब सही है, लेकिन स्क्रूटनी वाले दिन आपका नामांकन वह रद्द भी कर सकता है, इसलिए सभी चीजों को पूरा करते हुए नामांकन पत्र दोबारा से भरें। आप खुद भर सकते हैं, खुद भर सकते हैं, या जो भी आपके घर में ज्यादा पढ़ा लिखा हो वह कर सकता है, और पार्टी टिकट एफिडेविट 100 रुपये का लगता है, जितने भी एफिडेविट बनेंगे, एफिडेविट बनाकर नोटराइज करने का ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, कोई 25 में कर देता है, कोई 50 में कर देता है, कोई 100 रुपये में कर देता है, 250-500 रुपये के चक्कर में आप ना रहें, और यह स्वयं पूरा भरकर संतुष्ट होकर नोटराइज करके दूसरा नामांकन भी सबमिट कर सकते हैं, आप 4 नामांकन सबमिट कर सकते हैं, तो अगले दिन एक और सबमिट कर दें, वह दूसरा होगा, उसमें भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो तीसरा कर सकते हैं, यह ठीक है। देखिए, ये मैंने आपको ऊपर भी अच्छी तरह समझाया था कि आपके पास जो कुल जंगम संपत्ति अस्थाई संपत्ति है, यानी कि आपके पास नंगंदी जो है बैंक में है, आपने ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ शून्य शून्य कर दिया। मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि ऊपर जो टोटल आपने लिखा है उसका टोटल आप यहाँ लिखें, आपकी पत्नी का भी अमाउंट लिखा हुआ था, तो जो टोटल अमाउंट आ रहा था वो यहाँ लिखें, तो यह अस्थाई संपत्ति हो गई, जंगम अस्थियां हो गई, जंगम संपत्ति यानी कि अस्थाई संपत्ति हो गई, और यह स्थाई संपत्ति हो गई, है ना। तो स्थाई संपत्ति और ये माता पिता या अपने बुजुर्गों से जो हमारे को संपत्ति मिली है उसका टोटल लिखना होता है, तो आपका ऊपर नहीं है तो आप शून्य शून्य कर सकते हैं, और यह खुद से खरीदी हुई संपत्ति का लिखना होता है तो वहां पर भी आपका शून्य शून्य है, और कीमत लागत और कुल लिखा है तो आपका शून्य शून्य है, ये तो ठीक है, लेकिन यह आपका फॉर्म यहां पर गलत हो गया, क्योंकि ऊपर आपने लिखा हुआ है कुछ अमाउंट अस्थाई संपत्ति में और यहां आपने शून्य कर दिया। देताएं सब ऊपर भी शून्य शून्य है तो यहाँ भी शून्य शून्य आ गया, अगर ऊपर कहीं देताएं अगर कोई आता तो नीचे भी उसका सारांश यहाँ लिखना था।
ठीक है, यहां पर भी इसको थोड़ा छोटा यहां तक, यहां से लिखना स्टार्ट करें और यहां सन भी लिख दें, डेट लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यह फॉर्म जब कंप्लीट होता है, जब आप स्वयं भरेंगे और स्वयं भरने के बाद आप अपने अधिवक्ता एडवोकेट से या अन्य किसी जानकार व्यक्ति से मदद लेते हैं तो वह उस पर नज़र मारेगा और मोटी मोटी जो गलतियां होंगी उसे वह बता देगा। लेकिन आप सारी ही जिम्मेवारी एडवोकेट पे या वकील पे छोड़ देंगे या किसी अन्य जानकार व्यक्ति पे छोड़ देंगे तो समस्या यह आएगी कि वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर देगा, क्योंकि वह आप उसको ज्ञान है, कानून की पूरी ज्ञान है, लेकिन आपके बारे में पूरी ज्ञान उनको नहीं है। तो आपको आपके बारे में जितना ज्ञान है उतना दुनिया में किसी और व्यक्ति को नहीं है, इसलिए आप अपना फॉर्म जितनी अच्छी तरह से भर सकते हैं उतना अच्छी उतनी अच्छी तरह से दुनिया का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं भर सकता। इसलिए या तो आप खुद भरें या आपके गांव समाज में आपके रिश्तेदार में जो आपको अच्छी तरह जानता है, जो पढ़ा लिखा है, वह इसको भरे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नामांकन सही रूप से भरे और आप उम्मीदवार बने और जीते, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय भारत, जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान।